लगातार अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए दिन में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। रात में 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रेनों को चलाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में बिहार के दूसरे जिले के लोग पटना में फंसे हुए थे, पटना जंक्शन पर ट्रेन की आस में खड़े थे। ऐसे में उम्मीद बनकर एक ट्रेन पटना जंक्शन पर आई, जिससे कई यात्री अपने अपने घर के लिए वापस जा सके। सूरत से जयनगर के लिए चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर पहुंची, जिससे दूसरे जिलों के फंसे हुए लोग वापस अपने घर लौट सके। पटना में फंसे हुए लोगों ने बताया कि कई दिनों से प्रदर्शन के कारण पटना में फंसे हुए थे, अब घर जा रहे हैं। जिन्होंने उत्पात मचाया, रेलवे को नुकसान कराया है, उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनके संबंध में हमारे पास जानकारी आ गई है। हमारे रेलवे के CCTV फुटेज हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हैं, हम लोगों ने भी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा है। तो बहुत सारे लोग उसमें चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का अभियान हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। आज भारत बंद के